अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे कोरोना वायरस का असर अब जनजीवन पर भी पड़ता साफ नजर आने लगा है। सड़कों पर नजर आने वाला ट्रैफिक अब कम हो गया है। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सन्नाटा अपना प्रभाव बढ़ा लेगा। इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस समाज में नहीं फैल रहा है। यानी अगर किसी एक व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरे इलाके में इसका असर फैल जाएगा। लगातार पॉजिटिव आ रहे मामलों के बीच ये राहत वाली खबर हो सकती है। वहीं इससे उलट एक IAS ने दावा किया है कि यदि हालात और ख़राब होंगे तो इसका असर लंबी अवधि तक देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बीच यह दावा किया है और लोगों को परेशानी में डाल दिया है कि इन हालातों के चलते दुनिया भर में 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाजिर अली दरगाह व डिब्बा वालों की सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। हालात और अधिक चिंतनीय हों इसके लिए देश, राज्य और जिला स्तर पर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। चीन के वुहान से निकलकर दुनिया की पेशानी पर बल डालने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया के लगभग सभी देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बाहर से आने वाले लोगों पर यहाँ बराबर नजर रखी जा रही है। संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1000 सैंपल लिए गए हैं। उससे पता चला है कि देश में अभी कोरोना वायरस का दूसरा फेज चालू था। जिनके सैंपल लिए गए हैं वो न तो विदेश गए थे और न ही ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो विदेश से गया हो। इन्हीं नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि भारत में अभी कोरोना वायरस ने विकराल रूप नहीं लिया है, जो कि आसानी से दूसरे तक फैल जाए। बता दें कि इन रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार अपनी रणनीति में आवश्यक संशोधन भी करती है। कोरोना का असर आम जन जीवन पर पड़ने के साथ ही काम धंधे पर भी पड़ रहा है। डर का आलम यह है कि लोगों को अब अपने घरों में कवच होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी जारी की है कि यदि कोरोना वायरस को जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया भर में आर्थिक संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। सरकारों ने यदि तेजी से रोकथाम के कदम नहीं उठाए तो दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी पर संकट गहरा सकता है। यह चेतावनी निश्चित रूप से डराने वाली है। वर्तमान में दुनिया भर में करीब 2 लाख लोग इस वायरस की चपेट में हैं। कोरोना का ही असर है कि दुनिया भर के शेयर बाजार भी औंधे मुंह पड़े हुए हैं। इसका असर भारतीय करेंसी पर भी देखने को मिल रहा है। बीते कारोबारी दिन रुपया पहली बार प्रति डॉलर 75 के पार पहुंचा। यह रुपये का ऑल टाइम लो लेवल है। इसका निष्कर्ष यह है कि रुपये में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई है। हालांकि रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 74.26 पर बंद हुआ था, लेकिन अभी भी रुपये में गिरावट का क्रम जारी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ही भारतीय रेलवे ने 168 ट्रेनों को 20 से 31 मार्च तक कैंसिल कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए किया है। हालांकि इससे यात्रियों को खारिज की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 178 हो गई है। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 सही होकर घर जा चुके हैं। यानी अभी एक्टिव केस करीब 160 हैं। महाराष्ट्र में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया।